हेलो गाइस वेलकम बैक ऑन योर फेवरेट यूट्यूब चैनल शिक्षा प्रभा तो आज क्लास ट्वेल्थ के पोल साइंस वाले बच्चों ने अपना प्री बोर्ड एग्जाम दिया है सीबीएसई बोर्ड से जो लोग ट्वेल्थ कर रहे हैं इस बार तो ये मॉर्निंग शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन यहाँ पर इस वीडियो में आपको दिया जाएगा वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी को शिक्षा प्रवाह को सब्सक्राइब करना है तो सब्सक्राइब करना आपको नहीं भूलना है इस चैनल पर आप लोगों को मिलेंगे आपके सी बी एस ई मॉडल टेस्ट पेपर सी बी एस ई सैम्पल पेपर इसके अलावा सी बी एस ई की सारी अपडेट्स और इनके साथ ही साथ आपके हर पेपर का सॉल्यूशन ऑफिशियल आंसर की मार्किंग स्कीम भी आपको यहाँ पर इजीली अवेलेबल हो जाएंगी तो शुरू करते हैं सेक्शन ए का सॉल्यूशन सबसे पहला क्वेश्चन है द सोवियत पॉलिटिकल सिस्टम सेंटर्ड अराउंड द तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी कम्युनिस्ट पार्टी सेकेंड क्वेश्चन है सोवियत संघ में व्यवस्था को सुधारने के लिए निम्नलिखित में से किसे उत्तरदायी माना जाता है तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी मिखाइल गौरबेव को थर्ड है बेटा एशिया का एकमात्र देश जो जी सेवन समूह सेवन के देशों में शामिल है तो वो है जापान इससे आसान क्वेश्चन पोल साइंस में नहीं पूछा जा सकता क्वेश्चन नंबर फोर्थ श्रीलंका संकट में अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थ के रूप में भूमिका निभाने वाले स्केंड देश में शामिल है तो बेटा इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन डी लेकिन इसका करेक्ट आंसर जब ऑफिशियल आंसर की आ जाएगी तो वहाँ पर आपको देखना होगा क्वेश्चन नंबर पाँच में कथन है कथनों के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है क्वेश्चन नंबर पाँच और छः का तो क्वेश्चन नंबर पाँच है कि यूनिसेफ का जो मुख्य कार्य है वह बच्चों के लिए आपातकालीन धन एकत्र करना और पूरे विश्व में बच्चों के लिए विकास कार्य में सहायता करना तो ये जो ये कह रहे हैं ये बिल्कुल सही है सेकेंड है यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है ये भी सही है हेडक्वार्टर जो है यूनिसेफ का वो न्यूयॉर्क में है दोनों सही हैं लेकिन दोनों एक दूसरे को परिभाषित नहीं करते को नहीं करते व्याख्या नहीं करते एक दूसरे की तो हम जाएंगे किस पे बी ऑप्शन पे ए और आर दोनों सही हैं पर सही से व्याख्या नहीं कर पा रहे हैं सिक्स है भारत में बंगाल टाइगर को बचाने की मुहिम चल रही है तो बिल्कुल सही है ना सेकेंड इनकी संख्या लुप्त होने की हद तक कम हो चुकी है बिल्कुल दोनों बातें सही हैं लेकिन दोनों का एक दूसरे से शायद ही कोई रिलेशन है तो इसके अंदर भी हम जाएंगे कि सही व्याख्या नहीं है और बाकी बेटा जब ऑफिशियल की आ जाएगी तो उसके अंदर इन दोनों को देखना ज़रूर बनता है क्या ही दे रखा है तो सेवन है निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसी नहीं है तो सबसे पहले देख लेते हैं कौन कौन सी है तो विश्व स्वास्थ्य संगठन है यूनेस्को है और यू भी है कौन सा बचा ह्यूमन राइट्स वॉच। ये एजेंसी नहीं है संयुक्त राष्ट्र संघ की विश्व की सांझी विरासत के विषय में कौन सा कथन सही है तो उत्तरी गोलार्ध के देश विश्व की सारी विरासत को बचाने के लिए दक्षिणी गोलार्ध के देशों से अधिक चिंतित है तो हम तो ऐसा नहीं कह सकते सेकेंड विश्व की सांझी विरासत किसी राज्य के संप्रभु क्षेत्राधिकार में नहीं आती ये बिल्कुल सही बात है थर्ड है धरती का वायुमंडल अंटार्कटिका समुद्री सतह भारी का अंतरिक्ष को विश्व की साझी विरासत माना जाता है एंड फोर्थ मॉन्ट्रियल न्यायाचार विश्व की साझी विरासत की सुरक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है तो इसके अंदर सिर्फ एक ही कथन था जो हमें सत्य ढूंढना है तो सबसे ज्यादा सत्य जो इन्होंने बोला वो सेकेंड पॉइंट पे बोला कि साझी विरासत जो होती है उस पर किसी भी एक राज्य का या किसी भी एक क्षेत्र का देश का अधिकार नहीं होता अब आ, ओ ओके ओ, 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 ओके 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 सॉरी इसको तो क्या ही करना था कि सही बातें इसके अंदर से बतानी थी कि कौन कौन से कथन सत्य हैं ठीक है तो सेकंड भी सत्य है बेटा और थर्ड भी सत्य है एंड फोर्थ भी सत्य है तो हम जाएंगे सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ यानी कि हम जाएंगे ऑप्शन डी पर तो इसका करेक्ट आंसर है डी नेक्स्ट है नाइन्थ निम्नलिखित घटनाक्रम को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए तो नीति आयोग की स्थापना 2015 में हुई है आप लोगों को पता होना चाहिए राष्ट्रीय विकास परिषद 1952, पहली पंचवर्षीय योजना 1951 एंड योजना आयोग 1950 तो फोर्थ थ्री सेकंड एंड वन बिल्कुल ही विपरीत क्रम वाला आंसर इसका करेक्ट है यानी कि ऑप्शन बी फोर्थ थर्ड सेकंड एंड फर्स्ट नेक्स्ट है 1944 फोर्टी फोर में उद्योगपतियों के एक समूह ने देश में नियोजित अर्थव्यवस्था चलाने का एक संयुक्त प्रस्ताव तैयार किया जिसको कहा गया बॉम्बे प्लान ठीक है ऑप्शन डी निम्नलिखित में से कौन सा प्रतीक राम मनोहर लोहिया के समाजवादी पार्टी के प्रतीकों से मेल निखाता तो वो है हथोड़ा ऑप्शन ए 1975 में आपातकाल के लागू होने के पश्चात लोकतंत्र के दमन के विरोध में पद्म भूषण तथा पद्मश्री सम्मान को लौटा दिया था फणीश्वर नाथ रेणु ने और इनके साथ दूसरे हैं शिवराम कारंत ऑप्शन बी अब आप लोगों का आ गया है खंड खा बारह दो नंबर के प्रश्न इनको सॉल्व करने से पहले बेटा अगर आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अगर कर लिया है तो आप लोगों को थैंक यू वेरी मच शुरू करते हैं हमारा थर्टीन क्वेश्चन का आंसर कि मार्शल योजना किसे कहते हैं तब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप में साम्यवाद के प्रसार को रोकने के लिए अमरीकी विदेश सचिव जॉर्ज मार्शल ने जुलाई 1947 में एक योजना को लागू किया जिसे मार्शल योजना का नाम दिया गया ठीक है इस योजना के अंतर्गत चार वर्ष 1947 से लेकर 1951 में अमेरिका ने यूरोपीय देशों को 12 बिलियन डॉलर की सहायता जो है वो प्रदान की थी और वो तीन चरणों में वो सहायता उनको दी गई थी बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हमारा फोर्टीन क्वेश्चन है यहाँ पर सहयोग मूलक सुरक्षा की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए तो सहयोग मूलक सुरक्षा से क्या अभिप्राय है तो अगर हम इसके आंसर की तरफ बढ़ें तो परंपरागत खतरों के लिए सैन्य संघर्ष की बजाय आपसी सहयोग को अपनाना ही सहयोग मूलक सुरक्षा कहलाती है मतलब बातचीत के माध्यम से मुद्दों को सुलझाना एक दूसरे की मदद करना सहयोग मूलक सुरक्षा कहलाएगी नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा सामाजिक सुरक्षा कवच का आश्रय स्पष्ट कीजिए यह भी दो नंबर में पूछा गया है आप लोगों से इसके आंसर में हम लिख सकते हैं कि वह सुरक्षा जो समाज उचित संगठनों के माध्यम से अपने सदस्यों के साथ घटित होने वाली कुछ घटनाओं और जोखिमों से बचाव हेतु प्रस्तुत किया जाता है या प्रस्तुत करता है बचाव करता है वो सामाजिक सुरक्षा कवच कहलाता है क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन में आपसे पूछा गया है शक्ति संतुलन शक्ति संतुलन किसे कहते हैं यानी कि बैलेंस ऑफ पावर क्या है तो बैलेंस ऑफ पावर है कि किसी भी राज्य को या देश को उतना शक्ति नहीं देना उतना शक्तिशाली नहीं बनाना कि वो किसी दूसरे को अपने से निम्न समझकर उसको हड़प सके या उस पर ऐसे युद्ध कर सके उसको जीतने का प्रयास करे एग्जैक्ट शब्दों में अगर बताया जाए तो शक्ति संतुलन का सिद्धांत यह मानता है कि कोई राष्ट्र तब अधिक सुरक्षित होता है जब सैनिक क्षमता इस प्रकार बटी हुई हो कि कोई अकेला राज्य इतनी शक्तिशाली ना हो सके कि वह अकेले ही अन्य राज्यों पर दबाव बना सके या उसको दबा दे या उसका अस्तित्व तो खत्म करके अपने में मिला ले नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा वैश्वीकरण के कारण विश्व में अर्थव्यवस्था को किस प्रकार की गति मिलती है तो वैश्वीकरण के कारण आर्थिक राजनीतिक हर तरह का विकास एक तरह से वैश्वीकरण के द्वारा होता है ये प्रक्रिया मतलब किसी भी कंट्री को फाइनेंशियल मजबूत करती है टेक्निकल यहाँ तक कि उसके सामाजिक और राजनीतिक ताकतें और दायरा दोनों ही बढ़ता है वैश्वीकरण से नेक्स्ट क्वेश्चन क्योंकि बेटा दो दो नंबर में है तो हमें बहुत ज्यादा ऐसे लिखने की इसके अंदर नीड नहीं है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं नेक्स्ट है मंडल आयोग के गठन के कोई दो कारण बता देने हैं कि मंडल आयोग का गठन किन दो कारणों के लिए हुआ तब हम लोगों को पता होना चाहिए कि मंडल आयोग का जो निर्माण है या गठन है वो हुआ है वर्ष 1979 में इसका काम क्या था सामाजिक या राजनीतिक शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग की पहचान और पिछड़े वर्ग में क्या आ जाता है ओबीसी और ओबीसी में कई तरह की मतलब ऐसे मतलब श्रेणी होती हैं ठीक है चीके? तो इस आयोग का नेतृत्व भारतीय संसद बीपी मंडल के द्वारा किया गया था जातिगत भेदभाव को दूर करने के लिए और आरक्षण और कोटा निर्धारण की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए ठीक है ये थे बेटा आपके दो नंबर वाले प्रश्न अब स्टार्ट हो रहा है आपका सेक्शन सी बीस नंबर है लॉन्ग क्वेश्चन हैं तो इनके आंसर्स को बेटा हम लोग देख लेंगे जब हमारी ऑफिशियल आंसर की आएगी अब हम पढ़ते हैं आगे सेक्शन डी की तरफ सेक्शन डी में आप लोगों को एक पैराग्राफ टाइप दे रखा है इसको पढ़ना है और उसके क्वेश्चंस के आंसर देने हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन है पहला बांध विरोधी आंदोलन किस देश में चला तो आपने पढ़ लिया होगा और पढ़ के कर भी दिया होगा आप लोग बहुत समझदार हैं इसका आंसर है ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया सेकेंड है बांध विरोधी आंदोलन का उद्देश्य क्या है तो नदी किनारे की जो भूमि है और जो उसके आसपास का वन है उसको बचाना यानी कि ऑप्शन सी ये भी आपने पढ़ लिया स्वतंत्रता के पश्चात भारत का प्रसिद्ध बांध विरोधी आंदोलन कौन सा था तो देखिए बेटा चिपको आंदोलन तो था नहीं ठीक है और मुलसी सत्याग्रह जो था वो 1920 की घटना है और स्वतंत्रता जो मिली थी वो मिली थी 1947 में तो अब नर्मदा आंदोलन जो है वो लेटेस्ट ही है तो या तो जंगल बचाओ आंदोलन बेटा होना चाहिए या तो नर्मदा आंदोलन होना चाहिए तो एक बार जब ऑफिशियल आंसर किया जाएगी तब हम इसके आंसर को क्लियर करेंगे क्वेश्चन नंबर फोर है विश्व का पहला बांध विरोधी आंदोलन किस दशक में चला तो ये तो आपने पैराग्राफ में पढ़ लिया कि नाइनटीन एटी में चला नेक्स्ट है बेटा मानचित्र दे रखा है ए बी सी डी डिनोट किया है अब बताना है कि 1967 के चौथे आम चुनाव के बाद वह राज्य जहां पर कांग्रेस सरकार नहीं बनी तो एक ही राज्य था तमिलनाडु ठीक है और आपको देख दिख भी रहा है वो बिल्कुल ऐसे नीचे साउथ में दिया हुआ है ए ऑप्शन सेकेंड है हिंदी विरोधी आंदोलन का नेतृत्व कर पूर्ण बहुमत के साथ क्षेत्रीय पार्टी सत्ता पाने में सफल रही थी तो भाई वो है दिल्ली ऑप्शन बी तीसरा है उन्नीस के चुनावों के बाद आया राम आया राम और गया राम का जुमला तो उड़ीसा से संबंधित है तो इसका आंसर होगा सी उड़ीसा फोर्थ है वह राज्य जहां संयुक्त विधायक दल की सरकार को पॉपुलर यूनाइटेड फ्रंट की सरकार कहा गया तो वो एरिया है जो आपको दिखाया गया है वो है पंजाब ऑप्शन डी ठीक है ये थे चार प्रश्न आपके मानचित्र पर आधारित इसके बाद ये कुछ है जो ब्लाइंड्स कैंडिडेट हैं उनके लिए प्रश्न थे इसके बाद है आपका एक कार्टून इसको देख करके आपको जवाब देने हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तो वर्ष 1950 में चीन ने किस पर कब्जा कर लिया था तिब्बत पर डी वर्ष 1959 में भारत ने शरण दी थी दलाई लामा को जिस जो कि एक युद्ध का भारत चीन युद्ध का एक प्रमुख कारण था 1962 में तो भारत चीन युद्ध में निम्नलिखित में से किस देश की भूमिका तटस्थ रही तो सोवियत संघ ने कोई खास अपनी भागीदारी नहीं दिखाई ना तो भारत की तरफ और ना चीन की तरफ 1962 में संकट की घड़ी में भारत ने किस देश से मदद की गुहार लगाई तो ऑप्शन ए अमेरिका वापस से अभी जो कुछ क्वेश्चंस हैं वो दृष्टि बाधित बच्चों के लिए हैं। इनके भी आंसर्स बेटा आप लोगों को मिल जाएंगे जब ऑफिशियल आंसर की आने वाली होगी दो ढाई तीन घंटे में मिल जाएगी आप लोगों को अब है आप लोगों के लॉन्ग क्वेश्चन छः नंबर वाले तो इनके भी आंसर बेटा हम लोग आंसर की में ही देखेंगे तो अभी जितना पेपर हमको सॉल्व करना था हम लोगों ने कर लिया आशा करती हूँ ये सभी क्वेश्चंस आपके अच्छे सही गए होंगे बढ़िया गए होंगे बढ़िया नंबर आप लोग लेकर के आएंगे और ऑफिशियल आंसर की बेटा छः बजे के बाद आपको शिक्षा प्रभाव पर देखने मिल जाएगी वीडियो अगर मेरी आपको अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करना है शेयर करना है अपने क्लास ग्रुप में भी शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज